देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 24 अगस्त 2022 आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 294 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 401 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 2018 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 272 नए मामले सामने हैं, 429 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 3477 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 283 नए कोविड के मामले, कोई भी रिकवरी नहीं, 3 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 16737 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 578 नए कोरोना के मामले, 3207 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 3462 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 376 नए मामले सामने हैं, 406 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 2722 हैं। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 116 नए मामले आए हैं, 182 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना वायरस की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 2960 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 1465 नए कोरोना के मामले, 1295 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 10709 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में आज कोरोना वायरस के 166 नए मामले सामने आए हैं, 180 लोग ठीक हुए हैं और कोई भी मौत नहीं हुई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1728 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 560 नए मामले सामने हैं, 670 लोग ठीक हुए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 5732 है। नंबर 10, पौंडिचेरी में आज 61 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं, 19 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 306 है। नंबर 11, गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 177 मामले, 102 रिकवरी और कोई मौत रिपोर्ट नहीं की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 1181 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 164 नए मामले सामने, इस दौरान 131 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 1039 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 352 नए मामले सामने, इस दौरान 380 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 3894 रह गई है। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 907 नए मामले सामने आए हैं, 889 लोग ठीक हुए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 7874 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 87 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 1 मौत और 51 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 637 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 50 नए मामले सामने हैं, 52 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 351 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 277 नए मामले सामने हैं और 411 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, सक्रिय मामले 1773 हैं। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले सामने हैं, 20 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 9 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 87 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 182 नए कोरोना संक्रमण के मामले और 149 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 795 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 206 नए मामले सामने, इस दौरान 670 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 1956 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 23 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 83 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1910 नए मामले सामने आए हैं, 1273 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना वायरस की वजह से 7 मौतें हुई, सक्रिय मामले 12355 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में आज 558 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 389 डिस्चार्ज और 2 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 4463 हैं। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 959 नए मामले सामने हैं, 939 रिकवरी हुई है, कोरोना से 7 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामले 4656 रह गए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 28 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 107 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 234 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 241 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 1577 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 269 नए कोरोना के मामले, 349 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 2213 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 21 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 335 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 97 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 205 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 696 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य के आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।